हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, जो इस समय सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, सभी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में और एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं IBPS PO 2017 में और IBPS क्लर्क 2017 में, जो कि दिसंबर में होगा, तो उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है ऑनलाइन टारगेट बैच। इस बैच को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। www.bankers.org पर जाकर यहाँ पर आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। उसके बाद अपना कोर्स चूज करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, और जैसे ही आपका ऑनलाइन पेमेंट डन होता है, आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाएगी। साइट पर जाके आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं और वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। इसमें डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। सारे सारे वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चंस होंगे, और इसमें प्री मेंस इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव, जो कि अभी इंक्लूड किया है IBPS PO ने, तो इन चारों सेक्शन का मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का और डिस्क्रिप्टिव का। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप अच्छी तरह से करते हैं तो आप आसानी से अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन आप IBPS PO में और क्लर्क में ले पाएंगे। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है ऑल ओवर इंडिया से। 3782 स्टूडेंट इसको अभी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। इंग्लिश का इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हैं। और इसको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका लेवल ही अलग होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाएंगे इन एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं और ये 8 से 10 बैंक पीओ के प्री एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इस समय। इस तरह के क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों में ही आपसे पूछे जा सकते हैं। प्री में 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो पार्ट है, ये इसमें बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। तो यदि ये इनकरेक्ट है तो आपको इसको करेक्ट करना है, और यदि आपको लगता है कि ग्रामेटिकली ये ऑलरेडी करेक्ट है तो आपका आंसर होगा ई, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको एक तो ग्रामर की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए, और मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। देखिए, ऑल दो स्केर्ड ऑफ हाइट शी गैदर्ड ऑल हर करेज एंड स्टूड अटॉप। अब यहां पर आप देखिए, स्टूड अटॉप लिखा हुआ है। स्टूड अटॉप, स्टूड मतलब पास्ट टेंस में ये चला गया, तो इसलिए डेफिनेटली ये जो फ्रेज़ है ये सही है कि शी गैदर्ड ऑल हर करेज, मतलब उसने हिम्मत जुटाई। लेकिन इस वर्ब को आपको केवल पास्ट टेंस में करना होगा, बाकी सारा इसमें सही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा शी गैदर्ड ऑल हर करेज। करेज माने होता है साहस, करेजियस, बिल्कुल गलत होगा इसमें। ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसमें नहीं आएगा। तो ऑल हर हम बोलते हैं, ऑल माई, ऑल हर, ऑल हिज, ये करेक्ट फ्रेज होता है। तो इसीलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज शी गैदर्ड ऑल हर करेज। दूसरा देखते हैं, नेचुरली विद एवरीथिंग गॉन सो वेल फॉर देम इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इसका मतलब ये है कि चूंकि उनके लिए हर चीज सही हो रही थी, हर चीज में उनकी किस्मत काम कर रही थी, इसलिए ये टाइम था कि वो सेलिब्रेट करें। तो इस तरह के फ्रेजेस में नॉर्मली हम ING फॉर्म का यूज़ करते हैं, विद एवरीथिंग गोइंग सो वेल। इस तरह से हम बोलेंगे इसको, विद एवरीथिंग गोइंग सो वेल। यहाँ पर ये इसका आपका आंसर होगा और डी इसमें आपका आंसर होगा। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होते, इनको आप आसानी से कर सकते हैं यदि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सही हैं और आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली इनको आप आसानी से कम समय में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वर्ड मीनिंग भी दिए हैं नीचे, जैसे एफरेंट दिया है, फॉमेंट दिया है। ये हाईली एक्सपेक्टेड वर्ड मीनिंग है जो आपसे आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल में पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप याद कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। एफरेंट का मतलब ऑफेंड या अपसेट करना होता है, फॉमेंट का मतलब किसी को उकसाना या प्रवोक करना होता है। तो
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, द बैन वॉज इम्पोज बाय द स्टेट टैक्स कमर्शियल डिपार्टमेंट लास्ट फ्राइडे आफ्टर प्रोटेस्ट बाय असर्टेन कम्युनिटीज विच हैड, देखिए कम्युनिटीज के साथ हम हु इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हु हम लगाते हैं पर्सन के साथ, इसमें विच सही है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म थ्रेट की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है थ्रेटन, और यहाँ पर आप हॉल्स भी लगाएंगे, हॉल नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि प्रोटेस्टर जब किसी चीज़ को बर्न करने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, तो वो हॉल्स की बात करते हैं, हॉल की नहीं, तो इसलिए हॉल इसमें गलत होगा, और यहाँ पर आपका ये जो आंसर है जिसमें हेड के साथ थ्रेटन लगा हुआ है ये सही होगा। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा, विच हैड थ्रेटन टू बर्न सिनेमा हॉल्स। रीवैम्प का क्या मतलब है, रीवैम्प का मतलब है रीफर्बिश करना किसी चीज़ को फिर से उसको रिनोवेट करना या फिर से क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं रीवैम्प। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार ये क्लोज टेस्ट में पहला जंबल में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और इस तरह के वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक डेली बेसिस पर, आप इस चैनल पर देख सकते हैं, और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे वीडियोस मिलते रहें। योगेश धावले एन एविड फुटबॉल प्लेयर हु कैप्टेन हिज टीम इन स्कूल एंड कॉलेज विल इनॉग्रेट द मैच टुमारो इन पुणे। ये सिंपल सेंटेंस है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इसमें विल इनॉग्रेट द मैच क्यों आएगा, विल बी इनॉग्रेटिंग भी तो आ सकता है इसमें, विल बी इनॉग्रेटिंग, ठीक है, तो इसमें विल इनॉग्रेट द मैच, हम योगेश धाबले खिलाड़ी है जिसने कि टीम को रिप्रेजेंट किया था स्कूल टाइम में, और वो इनॉग्रेट करेगा, ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक फ्यूचर इवेंट की एक बात हो रही है कि फ्यूचर इवेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पर इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन चल रहा होगा ऐसा बोलना गलत होगा, ठीक है, इसलिए इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोलना भी गलत होगा, इसको फ्यूचर सिंपल टेंस में बोलना ही उचित होगा, क्योंकि इनॉग्रेशन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, और इनॉग्रेशन चलता नहीं है बल्कि होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, तो इसलिए इसमें विल इनॉग्रेट द मैच जो है वो सही है, और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अवेश का क्या मतलब होता है, अवेस्ट का मतलब होता है घबरा जाना, मॉडिफाइड हो जाना, एम्बेरस हो जाना, डिसकंसर्टेड हो जाना, शर्मिंदा फील करना, उसको हम बोलते हैं ए बी ए एस एच ई डी अबेस्ट, ठीक है। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, और बग्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, अनॉयड हो जाना, चिढ़ जाना, अनॉयड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर दी हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और इनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट ए म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज फॉर देम द आर्टिस्टिक साइड ऑफ द डॉक्टर्स केम एज फॉरवर्ड एज दे सैंग ब्यूटीफुली एंड मेड द इवनिंग ट्रूली मेमोरेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, वहाँ पर डॉक्टर्स पढ़ते थे और डॉक्टर्स के लिए एक वहाँ पर म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज की गई और डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म किया, जिसमें डॉक्टर्स का जो टैलेंट था, डॉक्टर्स का जो म्यूजिकल साइड था वो सामने निकल के आया। तो सामने निकल के आने के लिए हम केम फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे, केम फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का फिजिकली सामने आना, ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसका टैलेंट सामने निकल के आया, तो इसके लिए जो करेक्ट इडियम है वो है केम टू द फोर, ठीक है, केम टू फोर नहीं बल्कि केम टू द फोर है, और डी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके के एक सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। फीटेट का मतलब क्या है, फीटेट का मतलब ऑनर और एंटरटेन समवन, किसी व्यक्ति की इज्जत करना, उसको स्वीकार करना। और इंथ्रॉल्ड का क्या मतलब है, एकदम स्पेल बाउंड हो जाना, फैसिनेटेड हो जाना, किसी चीज़ से इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाना कि आप स्पेल बाउंड हो जाएं, उसको हम बोलते हैं इंथ्रेल्ड। जूडी फॉस्टर मेड क्वाइट ए स्प्लैश इन द फिल्म टैक्सी ड्राइवर। मेड क्वाइट ए स्प्लैश का क्या मतलब है, मेड क्वाइट ए स्प्लैश देखिए पास्ट में दिया है, वैसे मेक ए स्प्लैश होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये पास्ट टेंस में इसको हमने बोला है, तो मेड यहाँ पर सही है, और क्वाइट ए स्प्लैश का मतलब होता है कि पब्लिक अटेंशन को रिसीव करना, पब्लिक अटेंशन को पाना या कहीं पर अपना इंप्रेशन जमाना, उसको हम बोलते हैं मेक क्वाइट ए स्प्लैश। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो मेड यहां पर सही है और क्वाइट यहां पर सही है, स्प्लैश भी यहां पर सही है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
देखिए कुछ इस तरह के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय, पर्टिकुलरली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जा सकते हैं। चार सेंटेंस दिए हैं, इसमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट वाइज सही है, बाकी तीन सेंटेंस गलत हैं। तो जो सही सेंटेंस है उसको आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर गेटिंग के साथ आप डेस्परेट बोलेंगे, गेटिंग डेस्परेट, आई एम गेटिंग डेस्परेट, आई एम गेटिंग डेस्परेटेड आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको गेटिंग डेस्परेट लेना है, और एक इसमें क्या लेना है आपको, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सोलर मैन्युफैक्चरर्स आर गेटिंग डेस्परेट एज दे से दे हैव मार्जिनलाइज्ड इन द कंट्रीज एम्बिशियस सोलर एनर्जी प्रोग्राम। इसमें ये बोला जा रहा है कि सोलर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं कंट्री के, वो डेस्परेट हो रहे हैं, थोड़े से चिंतित हो रहे हैं, थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंट्री का जो एम्बिशियस सोलर एनर्जी प्रोग्राम है उसमें उनको साइडलाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसका प्रभाव सोलर मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ रहा है। तो जब एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो इसमें यहां पर आपको दे हैव की जगह आपको दे हैव बीन बोलना पड़ेगा, और यहां पर आपको गेटिंग डेस्परेट बोलना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें गेटिंग डेस्परेट होगा और हैव बीन होगा, वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो सी सेंटेंस में देखिए गेटिंग डेस्परेट भी है यहां पर, और दे हैव बीन भी है इसमें, और हैव बीन के बाद इसमें थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहां पर होगा सी, सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। बाकी के देखिए, देखिए जैसे इसमें गेटिंग डेस्परेटेड लगा हुआ है तो ये गलत हो गया आपका, गेटिंग के बाद इन नहीं आएगा, ये गलत हो गया आपका, और गेटिंग डेस्परेट इसमें सही है, गेटिंग डेस्परेट इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस यूज हुआ है, दे हैव मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। सोलर मैन्युफैक्चरर्स दे हैव मार्जिनलाइज्ड, इसका मतलब होगा कि सोलर मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को मार्जिनलाइज कर दिया है, जबकि सिचुएशन बोल रही है कि इसका उल्टा है, और फैक्ट भी इसका उल्टा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने उनको मार्जिनलाइज किया है, उन्होंने मार्जिनलाइज नहीं किया गवर्नमेंट को। तो इसलिए एक्टिव वॉइस में ना लिखते हुए इसको हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में, और यहां पर आपका सी जो है वो सही आंसर होगा। इसके इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या होता है, इन क्वेश्चंस का पर्पस होता है कि स्टूडेंट की इनडेप्थ नॉलेज चेक की जाए, कई तरीके से उस सेंटेंस को देखना होता है आपको। जैसे जो सी सेंटेंस है इसमें हम दो चीजें चेक कर रहे हैं कि एक तो गेटिंग के बाद डेस्परेट आएगा इसमें, और एक इसको आपको पैसिव वॉइस में बोलना होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तीन चार चीजें, मतलब एक ही सेंटेंस के थ्रू एग्जामिनर आपके तीन चार कॉन्सेप्ट को, मिनिमम तीन से चार कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता है। तो ये इसका पर्पस रहता है इस तरह के सेंटेंसेस को एग्जाम में लाने का। अब ये सेंटेंस देखिए, चार मीनार की इसमें बात हो रही है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। द सिटी ऑफ चार मीनार, ये द सही लगा है क्योंकि हम पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं। रिमेन्स सही है क्योंकि चार मीनार सिंगुलर है इसलिए रिमेन्स में एस लगा है जो कि सही है। द सिटी विद द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से पहले द लगा है तो ये भी सही है। इन द कंट्री फॉर द थर्ड कंजेकेटिव ईयर्स, देखिए थर्ड कंजेकेटिव ईयर होगा, ईयर्स नहीं होगा इसमें, तो इसमें एक पार्ट ये गलत हो गया, और इस एक पार्ट की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब इधर आ जाइए, द सिटी ऑफ द चार मीनार, इसमें द लगा दिया चार मीनार से पहले। चार मीनार एक प्रॉपर नाउन है इसलिए इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम द नहीं लगाते, ठीक है, अपने नाम से पहले हम द नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब नीचे आ जाओ, द सिटी ऑफ चारमीनार रिमेन्स द सिटी विद, इसमें बेस्ट से पहले द नहीं लगा जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इधर आ जाइए फोर्थ में, डी में, द सिटी ऑफ चारमीनार रिमेन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें रिमेन्स होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसमें एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, और इसका आंसर होगा नन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। आगे हम देखते हैं, अ वीडियो ऑफ ए बेबी मंकी क्राइंग ओवर द बॉडी ऑफ हर मदर किल्ड बाय अ रोड मिसहैप वेंट वायरल एंड वाज फीचर्ड इन टॉप डेलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सेंटेंस सही लग रहा है, और ए वीडियो ऑफ ए बेबी मंकी क्राइंग ओवर द बॉडी ऑफ हर मदर किल्ड बाय रोड मिसहैप वेंट वायरल एंड वाज फीचर्ड इन टॉप डेलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सेंटेंस सही है, इधर देखते हैं, गोज वायरल, इसमें ए वीडियो ऑफ ए मंकी क्राइंग ओवर द बॉडी ऑफ हर मदर किल्ड, सही कह रहे हैं इसमें आपका। ये सेंटेंस गलत है
क्योंकि किल्ड इन रोड एक्सीडेंट होना चाहिए, किल्ड बाय रोड एक्सीडेंट नहीं होगा तो ये सेंटेंस गलत हो गया आपका। इसमें हम गोज नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें हम पास्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ कि पास्ट में एक वीडियो बना जिसमें ए वीडियो ऑफ ए बेबी मंकी क्राइंग ओवर द बॉडी ऑफ हर मदर किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, मतलब एक बंदर था वो रोड एक्सीडेंट में मर गया था और उसका बच्चा जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर रो रहा था। तो ये एक पास्ट इंसिडेंट है, एक पास्ट स्टोरी है और ये स्टोरी जो है वो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे, तो इसलिए इसको हम पास्ट टेंस में बोलेंगे। तो इसलिए इसमें गोज कहना गलत होगा, इसमें वेंट कहना सही होगा और यहां पर इसमें किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट ही आपको बोलना पड़ेगा, किल्ड फ्रॉम ए रोड एक्सीडेंट बोलना गलत होगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया आपका, तो इसमें आपका सी सेंटेंस जो है ये सही है। ठीक है, सी सेंटेंस इसमें पूरी तरीके से आपका सही है, बाकी के सेंटेंसेस इसमें गलत हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें आपको जो 10th नंबर का सेंटेंस है ये गलत हो सकता है और इसको आपको सही सेंटेंस से रिप्लेस करना है। अब 10th सेंटेंस जो है, इफ ही वॉज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, मतलब यदि उसको डिसाइड करना होता कि उसको कॉलेज जाना है, यानी ये इमेजिनरी सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस जो इमेजिनरी होते हैं और जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सब्जंक्टिव मूड कहते हैं, वर्ब में वर्ब का एक उसका पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो कि इमेजिनरी होते हैं उसमें हम ही के साथ और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं और रिकमेंड के बाद इसमें हम यहाँ पर एस नहीं लगाते। तो इसमें आपका वर वाला जो सेंटेंस होगा वो सही होगा और वर इसमें जो दिया है वो एक ही सेंटेंस में दिया है, तो इसलिए इसमें बी आपका जो होगा वो सही होगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और ग्रामेटिकल नॉलेज भी डेफिनेटली आपको होनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में काफ़ी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ऑनलाइन टारगेट बैच में, वहाँ 40-40 क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन करवाता हूँ और वहाँ पे काफ़ी सारी आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, ग्रामर की इन डेप्थ नॉलेज, तो इसकी मदद से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन टारगेट बैच हमारा आप ज़रूर ज्वाइन करें और उससे फ़ायदा उठाएँ, अपना सिलेक्शन लें, फाइनल सिलेक्शन लें और गवर्नमेंट अधिकारी बनें। और एक बार आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू होगी और आप कितना पैसा कमा पाएंगे, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ऑनलाइन टारगेट बैच आप ज्वाइन करें और इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी आपको फीडबैक देना है, इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो ऑनलाइन टारगेट बैच हो, चाहे आपकी कोई क्वेरी हो, कोई नोटिफिकेशन हो। ठीक है, यही मेरा पेटीएम का भी नंबर है, इसको आप नोट कर लें। इसके थ्रू आप ऑफलाइन पेमेंट करके भी ऑनलाइन टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप जरूर लें क्योंकि टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लेना यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, test.englishadvantage.in। यहाँ पर आपको सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे और इसको आप बैंक PO के लिए, SSC के लिए, क्लर्क के लिए इसको आप ले सकते हैं। एक इसमें कॉम्बो पैक भी है यदि आप 2 या 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक PO की भी और SSC की भी। तो एक कॉम्बो पैक है 699 रुपीज़ का, उसको आप ले सकते हैं और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।